गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा आपको बोला था कि आपको मैं होम स्टे दिखाऊंगा, आज हमारा लास्ट डे है दार्जिलिंग होम स्टे में और ये एंट्रेंस है हमारा, ये रहा एंट्रेंस और ये रहा आपका सिटिंग स्पेस एंड डाइनिंग स्पेस, ये रहा मानस, ये है वॉशरूम, ये है दूसरा एंट्रेंस, ये आपका बेडरूम है जिसपे 5 लोग आराम से रह सकते हैं और बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट है। आपको एक वार्डरोब मिल जाता है और ये है व्यू। अभी तो फ़िलहाल पूरा फॉगी और क्लाउडी हो रखा है तो समझ में नहीं आ रहा, बट सुबह अगर आप 6 बजे करीब उठ जाइएगा तो आपको क्लियर दिखेगा। बहुत ही अच्छा व्यू है, हम लोग एकदम हिल के टॉप में है, इस जगह का नाम है लेबू गाँव एंड जापनीज मोनेस्ट्री के पास है, जापनीज मंदिर बोलते हैं यहाँ पे। और ये है पायल भाभी, ट्रिक्सी चली गई है रूम में और बहुत ही अच्छा सर्विस है यहाँ का, आगे ट्रिक्सी और ये है पूछू, ट्रिक्सी बहुत इंजॉय की है इस प्रॉपर्टी में। और आप अगर दार्जिलिंग आइएगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा इस प्रॉपर्टी का, आप ज़रूर यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पे आप रहिएगा तो आपको मेरा नाम बोलिएगा तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा, रेट बहुत ही रीज़नेबल है, 2600 प्लस टैक्सेस हमारा लिया है। और खाना भी इफ़ कंपेयर विथ अदर रेस्टोरेंट्स इन दार्जिलिंग, आपको अगर आप कोलकाता से कंपैरिजन करेंगे तो प्रॉब्ली इट वुड बी एक्सपेंसिव फॉर यू, बट इफ़ यू कंपेयर विथ अदर रेस्टोरेंट्स इन दार्जिलिंग तो आपको ये बहुत ही सस्ता लगेगा। ये रहा ये सीढ़ी, आपको मेन रोड से नीचे आना पड़ेगा एंटर करने के लिए और बहुत ही अच्छा व्यू है। आप अपना फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस जगह के बारे में आपको मैं डिटेल्स में बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब और स्टे ट्यून्ड। मैं आपको बहुत जल्दी ही कालिंपोंग का भी हमारा स्टे कैसा रहा है मैं बताऊंगा और ट्रिक्सी का मस्ती पूरा बताएंगे, ट्रिक्सी बहुत ही अच्छे से घूमी है। पायल हाय बोलो, हेलो, ये भाभी है, थैंक यू गाइस, ये गार्डन बहुत सुंदर है, आपको ये ओपन गार्डन मिल जाएगा और आप अगर बोलते हैं यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट का, सेटिंग अरेंजमेंट भी कर दिया जाएगा सो दैट यू कैन पार्टी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।